है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पंडित किशोर झा। मैं मिथिला क्षेत्र का रहने वाला हूँ। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या चीज वर्जित रहा? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस बार जैसा कि सबको विदित है, ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ अमूमन नहीं किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। भगवत जाप का जितना नाम जप सके, जितना माला जितना मंत्र का सिद्धि होता है वो तंत्र मार्गी लोग करते हैं। इसमें ये चीज़ कई गुणित फल होके कई गुना ज़्यादा फल देता है। जितना ज़्यादा भगवान का नाम जपेंगे, जितना मंत्रों की सिद्धि किया जाता है, वो सब बहुत गुना ज़्यादा होके मिलता है आदमी को। सूतक कहते हैं। सूतक भगवान जो चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटा अमूमन ज़्यादा पहले सूतक काल हो जाता है। सूतक काल से इस दौरान भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता है। भगवान का मतलब कोई भी काम, जो खाना बनाना जैसे वर्जित है, खाना अगर ज़रूरी है किसी के लिए, जैसे बच्चा हुआ या कोई रोगी हुआ जो अन्न के बिना नहीं रह सकता है, तो हम लोगों में ऐसा प्रचलन है, पूर्व बड़े बड़े मनुष्यों ने बताया है, कुश का उपयोग किया जाता है। कुश या दुर्वा अन्न में डाल करके उसको रखें और तब उसको खिलाया जाता है। कुश बहुत ही पवित्र चीज़ है, जिससे कोई भी सामान दूषित नहीं होता है, पका हुआ भोजन। और कच्चा भोजन जैसे फल फूल फ्रूट वगैरह लिया जा सकता है, जो समर्थ हैं वो इस दौरान कुछ ना ले तो बहुत ही अच्छा। और कुछ कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए? हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए है ऐसा, जैसे उस दौरान अगर कुछ महिला लोग होती है, उस दौरान उनको और भी पवित्रता बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है अगर उस दौरान कुछ ऐसा कुछ किया जाता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर में, इसलिए। अभी देखा जा रहा है कि लगभग सारा मंदिर का पट बंद हो। निश्चित वही सूतक काल होता है। जो सूतक काल के दौरान उनको स्पर्श करना वो अपवित्र हो जाते हैं, या जैसे हम आदमी संसारी जीव जो है सो ज़्यादा मतलब अपवित्र ही होता है, उस दौरान भगवान को स्पर्श न करें तो ये श्रेष्ठम होता है, ये अच्छा होता है। संदेश कुछ देना चाहते हैं हमारे पास? संदेश यही है कि इस दौरान आदि भगवत नाम का जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी जिसको किसी ग्रह गोचर से संबंधित या जितना सामर्थ्य हो उस अनुरूप दान करना चाहिए, क्योंकि दान में विभिन्न वस्तुएं हैं। कोई वस्त्र का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई घृत का दान करता है, जो कोई ऐसा है जो स्वर्ण का भी दान करता है, तो वो कई गुना ज़्यादा होकर फलित, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए दान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।